नमस्कार दोस्तों, रील इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए भर्ती अपडेट लेकर, अपडेट ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को जो है लेटर लिखा है, ठीक है। और लेटर लिखा है जितनी भी पोस्ट वैकेंट हैं, चाहे ग्रुप ए की है, चाहे ग्रुप बी की है, चाहे ग्रुप सी की, चाहे ग्रुप डी की, वो सभी पोस्ट जो है, वैकेंट पोस्ट भी और जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो भी, उनका जो है पूरा ब्यौरा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने मांगा है। तो लेटर किस किस को लिखा है, क्या कुछ है, आए जानते हैं इसमें पूरी डिटेल। तो लेटर लिखा है टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट हरियाणा, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोर्ड कॉरपोरेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन हरियाणा, ऑल द डिविजनल कमिश्नर्स इन हरियाणा स्टेट, ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स एंड सब डिविजनल ऑफिसज इन हरियाणा, रजिस्ट्रार ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज इन हरियाणा, सब्जेक्ट रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑन द पोर्टल ऑफ HRMS द डिटेल्स ऑफ सेंक्शन फील्ड अप वैकेंट पोस्ट ऑफ ए ग्रुप ए बी सी एंड डी। तो जो है ग्रुप ए बी और सी और डी ग्रुप के जो पदों के लिए जो है जितनी पोस्ट वैकेंट है या सेंक्शन है उनको भरने के लिए जो है HRMS पोर्टल पर जो है अपलोडिंग करने के लिए जो है लेटर लिखा है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने, जो कि 15 जुलाई 2022 तक जो है पूर्व ब्यौरा जो है पदों का मांगा है कि 15 जुलाई 2022 से पहले ग्रुप ए से ग्रुप डी के सभी पदों की जो है, चाहे वो सैंक्शन पोस्ट हैं चाहे वैकेंट पोस्ट हैं, सभी का ब्यौरा जो है दिया जाए। तो इसके लिए जो उन्होंने लेटर लिखा है, और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि जो लेटर लिखा है इससे साफ जाहिर होता है कि इस जो ग्रुप सी के लिए 35,000 के करीब और ग्रुप डी के लिए भी जो है कुछ पदे जो है भर्ती होने थे 20-22,000 के आसपास, तो उनमें जो और बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हमारे चैनल साथ बने रहिए, देखते रहिए रील इंडिया, आपका अपना चैनल। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।